तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर करने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेर सदारत पार्टी क्यादत का इजलास हुआ, जिसमें फवाद चौधरी, फारूक हबीब, बाबर ऐवान और दीगर शरीक हुए। इजलास में इलेक्शन कमीशन मेंबरान की हुकूमती इत्तेहाद के वफद से मुलाकात का मामला जेरे गौर आया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के किरदार का जायजा लिया गया। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक रेफरेंस दायर करने पर इत्तफाक किया गया। ज़राए का कहना है कि इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सूबाई हुकूमतों में भी कार्रवाई की जाए। दो सूबाई असम्बलियाँ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाएंगी। ज़राए ने बताया है कि इमरान खान ने हदायत की है कि कानूनी माहिरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस पर काम शुरू कर दें।